नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध काफी लंबा खिंच चुका है। इस युद्ध की सबसे खास बात ये है कि रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के आगे यूक्रेन अब तक टिका हुआ है और उसके हर हमले का जवाब भी दे रहा है। हालांकि इससे सबसे बड़ा कारण यूक्रेन को नाटो देशों और यूरोपीय संघ से मिलने वाली मदद है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रभावशाली कांग्रेस सदस्य रॉ खन्ना ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक स्टैंड अलोन बिल पेश किया है। यह बिल भारत के समर्थन में लाया गया है। इसके तहत उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए CAA TSA प्रतिबंधों से भारत को स्थायी छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आक्रामक चीन और रूस के आलोक में ऐसा करना दोनों देशों के हित में रहेगा। अमेरिका रूस को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक देश घोषित नहीं करेगा। व्हाइट हाउस का मानना है ऐसा करने से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जाने वाली सहायता पर असर पड़ेगा। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिका से मांग की थी कि रूस को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक देश घोषित किया जाए। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब में लगातार नशे की खेप भेजी जा रही है। वहीं मुस्तैद BSF के जवान नापाक इरादों पर पानी फेर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर ही BSF जवानों ने फाजिलका में पाकिस्तानी तस्करों के प्लान को नाकाम कर दिया है। बिहार में आए दिन अपराधियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर अपराधी जगह जगह गोलीबारी कर रहे हैं। ताजा मामला है सीवान का, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। इसके अलावा पटना में 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन का दूसरा चरण पूरा करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 15 सितंबर को दिल्ली में होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी आवेदकों के पैनल पर विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर राज्य का वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनेगा। इसके लिए सरकार गोविंद सागर झील में मूलभूत ढांचा विकसित करेगी। इसके अलावा एक नए इंडोर स्टेडियम और वाटर स्पोर्ट्स हॉस्टल को शुरू किया जाएगा। यह बात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में मंडी से चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो की होने वाली यह रैली पहले सुजानपुर में प्रस्तावित थी, अब इसमें फेरबदल किया गया है। हालांकि तिथि अभी तय नहीं है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रगतिशील हिमाचल के बैनर तले नगरोटा बगवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा हाईकोर्ट जाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की इस सोच को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर एक बार फिर से पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, वे डरे हुए हैं, जैसे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि प्रदेश से भाजपा का सफाया होने वाला है। 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को आखिर हायर ग्रेड पे का लाभ मिल गया है। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं संपादकीय पृष्ठ की तरफ। कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी बचा रही है या भाजपा से आगे चलते हुए नया घर बना रही है, ये इसलिए कि पार्टी ने आरंभिक तौर पर एक सुरक्षित दीवार खींचते हुए अपने पारंपरिक सेनानियों, पदाधिकारियों तथा वरिष्ठता के आधार पर कुछ नेताओं को आगे किया है। इस लेख को कांग्रेस का चेहरा रिपीट मिशन के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में उफान डॉक्टर बरिंदर भाटिया का लेख, जब लाहौर में लहराया शानी तिरंगा प्रताप सिंह पटियाल का लेख और छिलको की छाबड़ी में सजना है मुझे हिंदी के लिए अशोक गौतम का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा।
वैज्ञानिक काफी लंबे समय से एस्टेरॉयड को धरती के लिए खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है अगर धरती और एस्टेरॉयड के बीच टक्कर होती है तो ये बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। बताया जाता है धरती से एक बार एस्टेरॉयड टकराया था जिसके बाद धरती से डायनासोर खत्म हो गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कई बार धरती से एस्टेरॉयड टकराने की आशंका जताई लेकिन ये भविष्यवाणी कभी सच साबित नहीं हुई। अब फिर धरती और एस्टेरॉयड के बीच टक्कर होने का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि धरती के पास से एक विशालकाय एस्टेरॉयड गुजरेगा। वैज्ञानिकों का कहना है अगले हफ्ते ये एस्टेरॉयड धरती के नजदीक से गुजरेगा। यह कई सालों से धरती का चक्कर लगा रहा है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।